गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई रीड द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आर यूज टू एंटर डाटा एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर। सम कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन्स, ईटीसी। A keyboard has keys on it. We press these keys to input words, number and characters. Pressing the keys on a keyboard to write is called typing. देखो बेटा, जो कीबोर्ड होता है वो हमारा एक टाइप राइटर की तरह होता है। जब हम उसके अंदर कोई वर्ड्स डालते हैं और उसकी जो कीबोर्ड को हम प्रेसिंग करते हैं तो जो लिखते हुए हमारे पास वर्ड्स आते हैं हम उनको बोलते हैं टाइपिंग। माउस, ए माउस हैज़ टू बटन्स। माउस के टू बटन्स होते हैं। दिस इज़ ए स्क्रॉल व्हील बिटवीन द बटन्स। ये एक रोल जैसे होता है जो बटन्स के बीच में होता है, जिसको हम आगे पीछे व्हील के जैसे हिला सकते हैं। वो यूज़ ए माउस टू पॉइंट एट, सिलेक्ट एंड मूव ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर। हम इसको माउस के सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और जो हमारा मॉनिटर पर ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, यानी कि हम माउस जो मॉनिटर पर जो भी चीज़ होती है हम माउस के अकॉर्डिंग उसको एरो को इधर उधर कर सकते हैं। वी आल्सो यूज़ द माउस टू ड्रा एंड कलर पिक्चर। हम माउस को कलर पिक्चर के लिए भी यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन, वी यूज़ ए माइक्रोफोन टू रिकॉर्ड साउंड। हम माइक्रोफोन का यूज़ साउंड के रूप में, रिकॉर्डिंग के रूप में भी करते हैं। वी कैन रिकॉर्ड एंड स्टोर म्यूजिक और अवर वॉइस इन ए कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के अंदर अपनी आवाज़ को भी और म्यूजिक को भी स्टोर करके रख सकते हैं माइक्रोफोन में। स्कैनर, वी यूज स्कैनर ए कॉपी ए पिक्चर्स और पेज इनटू ए कंप्यूटर। हम स्कैनर का यूज़ पिक्चर की किसी पेज की कॉपी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। वी कैन सी द पिक्चर ऑफ ए पेज ऑन द स्क्रीन। हम जो पेज है उसकी स्क्रीन को पिक्चर दिखाते हैं। अब हमारा आता है प्रोसेसिंग डिवाइस लाइक दिस। प्रोसेसिंग डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका शॉर्ट नेम है CPU। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ ए प्रोसेसिंग डिवाइस इन ए कंप्यूटर। इट इज़ इनसाइड अ बॉक्स कॉल्ड द CPU बॉक्स। जो इसके अंदर एक बॉक्स होता है उसको हम CPU बॉक्स बोलते हैं। द CPU इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। जो CPU है वो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है। It is because the CPU works like our brain। क्योंकि जो CPU पे है वो हमारे बिल्कुल माइंड के जैसे वर्क करता है। It process the data we feed into the computer and give the output as information। हम इसके अंदर डाटा फीड करते हैं और ये हमें आउटपुट देता है जिसको हम सूचना कहते हैं। अब हमारे पास आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा। जो आउटपुट डिवाइस होता है वो हमें डिस्प्ले कर उसका जो रिजल्ट प्रोसेसिंग के रूप में देता है। द आउटपुट कैन बी टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड एंड वीडियोस। जो आउटपुट होता है वो हमारा पिक्चर, साउंड, टेक्स्ट के रूप में होता है। सम कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस आर मोनीटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन्स। और कुछ जो होते हैं इसका यूज़, इस डिवाइस का यूज़ मोनीटर, पिक्चर्स के रूप में करते हैं। मोनीटर, मोनीटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न। जो मोनीटर है बेटा वो एक टेलीविज़न के रूप में हमें नज़र आता है। It display the output on a computer. It is also called visual display unit, VDU।
फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट, शॉर्ट फॉर्म VDU। जो मॉनिटर की हमारी जो डिस्प्ले होती है हम उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। द आउटपुट ऑन ए मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो इसका बाहर होता है, जो हमें इससे आउटपुट मिलता है मॉनिटर के बाहर, हम उसको उसकी सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अब हमारे पास आता है प्रिंटर। वी यूज़ प्रिंटर टू प्रिंट द आउटपुट ऑन पेपर। हम इसका यूज़ पेपर को बाहर प्रिंट पेपर को यूज़ में हम इसका प्रिंटर का यूज़ करते हैं। द आउटपुट ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। और जो हमें इससे आउटपुट कॉपी मिलती है हम उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। और जो हमारे को मॉनिटर से मिलती है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट, और जो प्रिंटर से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, इसलिए मैं बार बार आपको इसमें रिपीट कर रही हूँ, बी केयरफुली लिसन टू मी। अब हमारे पास आता है स्पीकर एंड हेडफोन। स्पीकर, वो यूज स्पीकर एंड हेडफोन्स टू लिसन टू साउंड फ्रॉम ए कंप्यूटर। हम स्पीकर और हेडफोन का यूज़ स्पीक कंप्यूटर की साउंड को सुनने के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारे पास आते हैं सॉफ्टवेयर, ये एक्सरसाइज के साथ करेंगे हम। द इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो निर्देशन हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शन दी जाती है जो सॉफ्टवेयर इज अ टू टाइप। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वी कैन टर्न ऑन वी कैन टर्न आवर कंप्यूटर एंड इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स वर्किंग। इट प्रहैप्स द कंप्यूटर फॉर यूज, इट प्रिपेयर्स द कंप्यूटर फॉर यूज। ये कंप्यूटर को प्रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं। द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। जो सॉफ्टवेयर का, जो हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी कहते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारा इसका एग्जाम्पल होता, सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। इट आल्सो मैनेज द वर्किंग ऑफ अदर हार्डवेयर डिवाइस दैट आर कनेक्टेड ऑन द कंप्यूटर। जो ये है, जो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दूसरे हार्डवेयर को कनेक्टिंग करके रखता है। सम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MSC, OS एंड यूनिक्स। और हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल हैं लाइक दिस, आई रिपीट अगेन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MSC, OS एंड यूनिक्स। सम सॉफ्टवेयर आर आल्सो प्रेजेंट इज कंप्यूटर। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें कंप्यूटर में प्रेजेंट होते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट वी वांट टू डू। और ये डिपेंड करता है कि हम उनसे क्या कर सकते हैं। वी ओपन माइक्रोसॉफ्ट पेंट और टक्स पेंट व्हेन वी वांट टू ड्रा पिक्चर। और जब हमें कोई पिक्चर ड्रा करनी होती है तब हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट और टेक्स्ट पेंट को खोलते हैं। वी ओपन वर्ल्ड पैड और वर्ल्ड व्हेन वी वांट टू टाइप टेक्स्ट। और जब हमें कोई टेक्स्ट करना होता है तब हम उसको वर्ल्ड पैड को और वर्ल्ड को खोलते हैं टाइप टेक्स्ट। दीज आर वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर बहुत सारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है यहाँ पे, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट ये पिक्चर में शो हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट एंड टक्स पेंट, ये हमारा टक्स पेंट है लाइक दिस, और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट पेंट है जैसे कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इफ़ एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क मी। व्हाट्सएप ग्रुप
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।